हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय शुभा। मैं हूँ शुभांगी मीरजकर एंड आज मैं फिर से आपके लिए एक नया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। तो जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको CTM कैसे करते हैं, ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो CTM का फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। तो जब भी आप CTM करते हो तो क्लिंजिंग के लिए आपको फेस वॉश या क्लिंजर यूज़ करना चाहिए। लेकिन फेस वॉश कब यूज़ करना चाहिए एंड क्लिंजर कब यूज़ करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो मॉर्निंग को जब आप CTM करते हो तो आपको फेस के लिए फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। नहाते टाइम आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, देन नहाने के बाद आपको टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना चाहिए। लेकिन जब आप नाइट में CTM करते हो तो आपको क्लिंजिंग के लिए क्लिंजर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लिंजर आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग करता है ताकि आपके स्किन पे जो भी दिन भर का डस्ट या डर्ट बैठा हुआ है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप मेकअप अप्लाई करने से पहले CTM करते हो या फिर मेकअप रिमूव करने के लिए क्लिंजिंग करते हो तो आप क्लिंजिंग के लिए क्लिंजर ही यूज़ करें, क्योंकि फेस वॉश से आपका फेस अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता है। तो अब मैं CTM का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। तो अब मैं पहले क्लिंजिंग करूँगी। मेरे फेस पे ऑलरेडी मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो वो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिंजर यूज़ करूँगी एंड देन उसके बाद टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करूँगी। तो क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अच्छे से जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो स्किप किए बिना ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैं क्लिंजिंग के लिए रिचफील का क्लिंजर यूज़ कर रही हूँ, जो ऑल स्किन टाइप के लिए यूज़ होता है। इसे आपको थोड़ा सा हाथ में लेके पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगाना है एंड देन सर्कुलर मोशन में मसाज करना होगा एंड देन कॉटन से रिमूव करना है। तो अब मेरा क्लिंजिंग का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं टोनिंग करूंगी। टोनिंग के लिए मैंने वैदिक लाइन का फ्रेशनर यूज़ किया है। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेशनर यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रे फॉर्म में है। अब मैं इसे मेरे फेस पे स्प्रे करूंगी। एकदम पास से स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो एक ही जगह पे ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा। स्प्रे करके 2 से 3 मिनट रुकना होगा ताकि ये पोर्स को मिनिमाइज कर दे। क्लिंजिंग प्रोसेस में डीप क्लीन करने के लिए हमारी फेस पे जो पोर्स मैक्सिमाइज हुए थे वो पोर्स टोनिंग करने के बाद मिनिमाइज हो जाते हैं। अब मेरी फेस पे टोनर लगा के मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। इसका एंड रिजल्ट आप मेरी फेस पे देख सकते हो। और एक बात ज़रूर याद रखना, टोनर को हमें रिमूव नहीं करना है, इसके ऊपर डायरेक्टली मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए रिचफील का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ये ऐसा मॉइस्चराइजर है जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ होता है। तो मैं थोड़ा सा ही प्रोडक्ट अपने हाथों पे लेके इसे पूरे फेस पे इवनली अप्लाई करूँगी। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, जितना लगता है उतना ही प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए। CTM प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको इसमें एक और स्टेप ऐड करनी होगी, वो है सनस्क्रीन एप्लीकेशन। यूवी रेज से हमारी स्किन को जो हार्म होता है वो हार्म कुछ परसेंटेज में कम करने का काम सनस्क्रीन करता है। जब भी आप CTM प्रोसेस फॉलो करते हो उसके बाद सनस्क्रीन लगाना ना भूले एंड जब भी आप नाइट को CTM करते हो उसके बाद आप सनस्क्रीन एप्लीकेशन स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छी स्माइल चाहिए तो आप रात को सोते टाइम लिप बाम लगाना ना भूले। तो यहाँ पे हमने CTM का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूले। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस।